छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते शराब गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद महंगे दाम पर धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। रायपुर के गोल बाजार स्थित शर्मा कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं वो बेचने की सूचना भारी संख्या में मिल रही थी, जिसके बाद भीड़ बढ़ता देख दुकानदारों ने शटर डाउन कर दिया, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा दुकानदारों पर फूट पड़ा। सवाल ये उठता है कि जब दुकानदार और जनता दोनों ही नशे के लत में के चलते लॉकडाउन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने लग जाएगी तो कोरोना कैसे हारेगा। हमर घर टहान हमन गुड़ा खुले बर आए हमन ला बताई से 6 रुपया 5 रुपया मिला थे ऐसे करके तो हमन ले बर आए हैं तो दुकान वाला कहा थे अभी नहीं मिले नहीं मिले अब जाओ तुमन खत्म हो गए तो दूसरा मन ला काबर देते हमन ला काबर नहीं देते रोज भीड़ लगते बोलते रोज देखो बोलते तो देतीस नहीं हम मन अपन चल चल देते देतीस तो गाँव में आया कर सब ये करे तो आदमी को देना चाहिए गुड़ाकू मन किसी का पेट दर्द देता है कोई तो खाना हजम नहीं होता किसको बोलना चाहिए देना चाहिए गुड़ाकू मन जन गुड़ाकू लेबर आए हैं गुड़ाकू दुकान बंद है अब गाँव में जावे तो 50 रुपया 250 रुपया डब्बा है तो आदमी कैसे करी बता गरीब आदमी कमाई ते गुड़ाकू ली अब ये दुकान वाला बंद करके शटर में बैठे 80-70-60 ऐसे भी कहते हैं 8-10 रुपया गुड़ाकू रहा अब आदत बन गए गरीब आदमी के 8-10 रुपये देता बोल के नहीं दे रहे हैं कभी देता है कभी नहीं देता है क्या मतलब छोटा वाला भी 80-90 रुपया भाई अगर काम दाम भी बंद है कैसा ऐसा करेगा कहाँ से होगा 5 रुपया है वो 100 रुपये में बिक रहा है और जिसका कीमत 35 रुपया और 350 से बिक रहा है।